लोगों का मानना है, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये चुनाव एनडीए कैंडिडेट कैसे हार गए, क्या कारण था आपके हिसाब से? देखिए, पहला तो नंबर एक बसपा का चुनाव न लड़ना, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब वोट का अधिकार दिलाया था पार्लियामेंट में, तो जब बाहर निकले तो बहुत खुश थे। उस समय आचार्य कृपलानी ने पूछा कि डॉक्टर अम्बेडकर तुम बहुत खुश हो, क्या बात है? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं वो अधिकार दिला के आ रहा हूँ, जिस दिन ये अधिकार का उपयोग करेगा उस दिन सत्ता इसके हाथ में होगी। तो जो आचार्य कृपलानी जी ने कहा कि बस इतनी बात है, हमारे लोग पैसे वाले हैं, हमारे लोगों के पास संसाधन है, हमारे लोग मजबूत हैं, हम तुम्हारे वोट को खरीद लेंगे। वही हसर हमने देखा घोसी में, गाड़ियों में पैसे ले लेकर के सपाई लोग बांटते फिरे। हम लोग रात को कंप्लेन करते रहे, तमाम 50 लोग थाने में बैठाए गए, गाड़ियां पकड़ी गई, ये देखने को मिला। दूसरा कारण तो ये था। तीसरा कारण, जो प्रत्याशी का रिएक्शन, जिसके वजह से वोट जो है बड़ी संख्या में तितर बितर हुआ। एंटी धारा आप कह सकते हैं? हाँ, एंटी मतलब वही प्रत्याशी के रिएक्शन में। अगर इनकी जगह कोई आपकी पार्टी का कैंडिडेट होता तो हमारी पार्टी का नहीं, कोई कैंडिडेट स्थानीय होता तो उसका रिजल्ट अलग होता। जैसे अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की, चुनाव मैदान में गए, तो उसमें 7-8 लोग हार गए, जीते हुए लोग थे। तो वही स्थिति, कैंडिडेट बदलना चाहिए था, हमारा अपना मानना था। बीजेपी से एक गलती हुई कि नहीं, अब वो अब भाई अब उनका मानना, बड़ी पार्टी है, उन्होंने सोच कर समझ करके दिया। हम लोगों ने पूरी ताकत से, पूरी जितने भी सहयोगी दल थे, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, चाहे सुभाषपा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सब लोग पूरी ताकत से लगे। जनता मालिक है, जनता ने जितना जो जनादेश दिया है, हम लोगों को सिरोधार है, हम लोगों की जो कमियां रह गई हैं उसको हम लोग सुधारेंगे, संगठन को और ठीक करेंगे। देखा जा रहा है कि जो विपक्ष है उनका ये मानना है कि दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनने वाले थे और ओम प्रकाश भी मंत्री बनने वाले थे, अब शायद न बन पाए। इस पे आपको क्या कहना है? क्यों नहीं बन पाएंगे? मालिक वो लोग हैं, विरोधी पार्टी वाले मालिक हैं। मतलब आपको विश्वास है कि भाई देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, एनडीए के मालिक विपक्ष के लोग तो नहीं ना हैं, वो लोग मालिक हैं। वो लोग की मर्जी से यहाँ होगा या हम लोगों की मर्जी से होगा? जो एनडीए में हम सब लोग शामिल हैं, जो एनडीए के मुखिया हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, ये लोग ना मालिक हैं कि ये लोग मालिक हैं? मतलब मंत्री आप बनेंगे? धैर्य रखिए, दिल थाम के, और जो लोग परेशान हैं उनसे भी कहिए कि आपके माध्यम से उनसे भी कह रहा हूँ कि दिल थाम के बैठो, कहीं करेजा ना फाट जाए। उनसे कह दीजिए दिल थाम के बैठे, नहीं कहीं फाट ना जाए, मतलब हार्ट अटैक ना हो जाए। शीर्ष नेताओं पे विश्वास है आपको कि आप लोग मंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, काहे नहीं बनेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।